विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की कौशल परीक्षा के संबंध में कल एक वीडियो मैंने डाला था, और उस वीडियो के बाद अनेक तरह के प्रश्न मुझसे पूछे गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं कौशल परीक्षा देने वाले सारे अभ्यर्थियों की सारी शंकाओं को दूर करने का प्रयास करूंगा, और ये प्रयास करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप वो सारी दुविधाएं अपनी दूर कर सके जो आपको आने वाली परीक्षाओं में हो सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में आज की विशेष वीडियो जो है वो कौशल परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। उन्हें किस तरह से कौशल परीक्षा में सम्मिलित होना है, किस तरह से उन्हें अपनी परीक्षा को देना है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, वो कौन से फॉन्ट में परीक्षा देंगे, कौन सी भाषा होगी, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हेडिंग आप देख रहे होंगे विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का है, और ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो लिटरेचर है, ये कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया डॉक्यूमेंट है, मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है, आपको मैं पहले ही बता दूं। ये पूर्णतः प्रामाणिक दस्तावेज है जिसके आधार पर मैं आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूं। पहले कुछ सामान्य दिशा निर्देश के बारे में है कि परीक्षा शुरू होने से पहले आपको एक घंटा पहले पहुंच जाना चाहिए, ये तो सिंपल सी बात है, आप जानते ही हैं इसके बारे में। दूसरा जो दिशा निर्देश कल मैंने अपने वेबसाइट पे, कल अपने चैनल पे बताया था, वो आप बोर्ड की वेबसाइट पर भी है, तो आप वहां जाकर के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कौन कौन सी बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। अगला बिंदु यह कहता है कि अभ्यर्थी परीक्षा हाल में अपनी जगह पर बैठने, परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इस बात को देख लें कि उनका सिस्टम जो कंप्यूटर है वो ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कीबोर्ड ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, माउस काम कर रहा है कि नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने इन्विजिलेटर्स को सूचित कर दें ताकि वो उसकी जो भी तकनीकी दिक्कत होगी उसको दूर कर लें, क्योंकि परीक्षा एक बार अगर प्रारंभ हो जाती है तो उसके बाद ये आपके हाथ में नहीं रहेगा, और उसके बाद इसमें किसी तरह की कोई सुधार संभव नहीं होगी। परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थी निर्देश को पढ़ लें ध्यानपूर्वक, और समस्त आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि कंप्यूटर पर सावधानीपूर्वक कर लें। पांचवा बिंदु यह कहता है कि कौशल परीक्षा के लिए विशेष रूप से बनाए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। तो विशेष रूप से बनाए हुए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाना है, इसका मतलब आप ये जाने कि उस सॉफ्टवेयर में जो भी बातें रखी गई होंगी वो आपकी परीक्षा को दृष्टिगत करके रखी गई होंगी, इसलिए आप अपनी तरफ से कोई परेशानी, मन में किसी तरह की शंका न रखें। अगर उस सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, किसी तरह की समस्या आ रही हो, तो जो वीक्षक, वीक्षक शब्द यहाँ पे लिखा है इसका मतलब इन्विजेटर से है, तो आप इसके लिए परेशान मत हो। जो बंदा आपके साथ होगा एग्जाम हॉल में परीक्षा लेने के लिए, वो आपका वीक्षक होगा, तो उनको आप तुरंत बता दें। अगला जो बिंदु है, सातवां बिंदु, वो कहता है कि अभ्यर्थी कंप्यूटर पर कौशल परीक्षा से पूर्व या परीक्षा के समय में सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त जो सॉफ्टवेयर उन्होंने अपलोड कर रखा है आपके टेस्ट के लिए, उसके अलावा क्योंकि वो नेट से जुड़ा होता है तो तरह तरह के और जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी उस समय एक्टिवेटेड किए जा सकते हैं, तो आप किसी और सॉफ्टवेयर को न खोलें। अगर इससे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, तो ये ध्यान रखें किसी और सॉफ्टवेयर को छेड़ना नहीं है, जो सॉफ्टवेयर आपको दिया गया है आपको उसी पे काम करना है। अब जो परीक्षा है वो क्या है वो समझ लें। हिंदी की टाइपिंग स्पीड आपको देखनी है, हिंदी टंकण गति परीक्षा, इसका विवरण उस पर दिया है कि आपकी जो हिंदी टाइपिंग स्पीड है वो, ये जो फॉन्ट का नाम दिया है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये कृति देवा है, एक्चुअल में कृति देवा जो फॉन्ट है 010, इस पर आपका एग्जाम बेस्ड है, 15 मिनट का होगा, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफाइंग है, वो 17 शब्द प्रति मिनट है। इस बात को ध्यान रखें, हर मिनट में 17 शब्द हो जाने चाहिए तब आप एलिजिबल होंगे। ये पूरे इस परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अर्हता है तो हिंदी भाषा में निर्धारित न्यूनतम औसत गति और निर्धारित 65% शुद्धता, दोनों चीजें होनी चाहिए, गति भी होनी चाहिए और उसमें 65% की एक्यूरेसी होनी चाहिए, दोनों चीजों का होना जरूरी है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि परीक्षा हिंदी में ली जाएगी और ये 15 मिनट के समय में कंप्लीट कर लिया जाएगा, तो परीक्षा की लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी होगी, इस बात का ध्यान रखें। फॉन्ट मैंने आपको बता ही दिया है, वो ज्ञ त न ज प लिखा, इसके आधार पर कृति देवा फॉन्ट का ही यूज इसमें होने वाला है, बोर्ड ने अपनी सूचना में भी इस बात का उल्लेख किया हुआ है। आपकी सुविधा के लिए मैं अपने स्क्रीन पर वो कीबोर्ड दिखा देता हूं जो कीबोर्ड आपको परीक्षा के दौरान इस्तेमाल करना है। टंकण एवं मूल्यांकन के लिए जो दिशा निर्देश है उसमें ये हिंदी का कीबोर्ड होगा, ये कीबोर्ड आपको उपयोग में लाना है।
यह कीबोर्ड एक तरह से इमेज है, इसे कृति देवा के फोन के अनुसार चेंज कर लें। अगर कुछ है तो चेक करके पहले चेक देख लें, और वास्तविक कीबोर्ड की कुछ कीज कृति देवा 010 के फॉन्ट के अनुरूप दृष्टांत से अलग हो सकती हैं। तो एक बार आप अपने हिसाब से इसको पूरा चेक कर लेंगे, कीबोर्ड आपका प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, टंकण गति यानी कि टाइपिंग की स्पीड के मूल्यांकन के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, केवल आपको क्वालिफाई करना है। सही शब्दों की गणना की जाएगी। सही शब्दों की गणना करने के बाद आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया न्यूनतम अर्हता उसके अनुसार देखा जाएगा, उसमें आपको पास या फेल डिक्लेयर किया जाएगा। अगर आप क्वालिफाइंग होते हैं तो उत्तीर्ण है, नहीं कर पा रहे हैं उसमें तो फिर आप अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। सही शब्द जब लिखता है तो सही शब्द का मतलब यह होता है कि जो शब्द दिया जा रहा है वो टंकित किया गया है तथा मूल्यांकन हेतु दिए गए मानकों के अनुरूप है। शब्द का अभिप्राय एक या एक से अधिक अक्षरों, मात्राओं और विराम चिन्हों के समूह से है जिसके पहले तथा बाद में खाली जगह हो। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, खुद ही दिए और गए इनके बीच में स्पेस है, तो एक शब्द दिए हुआ, एक शब्द गए हुआ, एक शब्द अनुरूप हुआ, एक शब्द टंकित हुआ। इस तरह से आपको शब्दों की गणना करनी चाहिए। अब जब आप स्पीड से टाइप कर रहे हैं तो एक लाइन में टंकित किए गए शब्दों के क्रम में परिवर्तन को भी त्रुटिपूर्ण माना जाएगा, मतलब आप उसके क्रम को नहीं बदलेंगे। शब्द आपने टाइप कर लिया लेकिन क्रम बदल दिया तो वो भी आपका फॉल्ट में आ जाएगा। आगे चलें, टंकण गति परीक्षण के दौरान एक लाइन में किसी शब्द के आवृत्ति से अधिक बार टंकण को भी गलती माना जाएगा, मतलब एक ही शब्द को आप एक से ज्यादा बार टाइप ना करें, एक बार ही टाइप करना है। अगला जो बिंदु है वो ये कहता है कि हिंदी टंकण परीक्षा के दौरान मात्राओं के एक से अधिक बार दबने से शब्द त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। मात्राओं पर अपनी ध्यान देना है, अगर एक ही मात्रा तो एक ही मात्रा एक ही बार दबाएंगे, दो बार करेंगे तो ए हो जाएगा, इस तरह से शब्द त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो बिंदु है वो ये कहता है कि हिंदी टाइपिंग के दौरान आवश्यकता होने पर विशेष अक्षरों को बनाने के लिए स्पेस या कंट्रोल या जो भी कुछ आपको यूज करना पड़े उनका उपयोग किया जा सकेगा। आप जब हिंदी में टाइप करते हैं तो आपको इस बात का आइडिया है कि कहाँ पर शिफ्ट का यूज करना है, कहाँ कैप्स का यूज करना है, कहाँ कंट्रोल का, कहाँ आल्ट का, कहाँ एफ फंक्शंस का, तो ये सारी चीजें आप जानते हैं, इसलिए इसको यूज किया जा सकता है, इस बात का आपको छूट बताया गया है। 17वां बिंदु में यह कहता है कि हिंदी वर्णमाला के निम्न अक्षरों को छोड़कर अन्य समस्त अक्षर यदि आधा अक्षर एवं खड़ी पाई जैसे आधा मा व ये आ की मात्रा के संयोजन से टंकित किए जाते हैं तो ऐसे अक्षरों व संबंधित शब्दों को त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। ये जैसे दिया, ये इन शब्दों को बनाने के अलावा आप जोड़ करके बनाएंगे तो वो भी आपको त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। अगर आपने कोई गलती कर दी, कोई त्रुटि हो गया, तो त्रुटि सुधारने के लिए आप ये स्पेस और बैक स्पेस और डिलीट इन तीन दोनों बटन का उपयोग कर सकते हैं। ये कुछ शब्द क्लियर नहीं है लेकिन जितना मैं कंप्यूटर जानता हूं उसके आधार पर मैं आपको बातों को बता रहा हूं। ये जो शब्द लिखे गए हैं इनका क्या अभिप्राय हो सकता है, मे बी ये बैक स्पेस होगा और ये डिलीट होगा या जैसा भी कुछ हो उल्टा भी हो सकता है, पर कुल मिलाकर के त्रुटि सुधारने के लिए हम इन्हीं दोनों का उपयोग करते हैं, तो आप भी इन्हीं दोनों का उपयोग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए जो निर्देश है उसमें यह कहता है कि जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो उपलब्ध कराया गया कंप्यूटर पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में यूजर रोल नंबर है और पासवर्ड है। रोल नंबर में आपको रोल नंबर लिखना है, पासवर्ड आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा, ऐसा आगे बिंदु में बताया गया है। बिंदु क्रमांक 20 में यह बताया गया कि सॉफ्टवेयर में लॉगिन हेतु रोल नंबर का उपयोग करना है, रोल नंबर आपके प्रवेश पत्र में होगा और पासवर्ड आपको परीक्षा कक्ष में दिया जाएगा। जब आप पासवर्ड डालेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखना चालू हो जाएगा। इसमें आपका रोल नंबर, आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम डेट, एग्जाम टाइम, ये सारी चीजें इसमें दिखेंगी। अब उसमें मैं हिंदी कृति देव फॉन्ट ठीक से देख पा रहा हूँ, इस तरह का पूरा डिस्प्ले आपको होगा, आपको इसको एक बार देख लेना है, चेक कर लेना है। अब इसके बाद यहां से नीचे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है प्रोसेस टू स्टार्ट टाइपिंग टेस्ट। सॉफ्टवेयर में लॉगिन के बाद स्क्रीन पर अभ्यर्थी का रोल नंबर, नाम, माता पिता का, जैसे मैंने बताया वो सारी चीजें दिखेंगी। अब परीक्षा शुरू करने से पहले स्क्रीन पर अपना ये पूरा का पूरा विवरण टेस्ट को चेक कर लें प्रॉपर है या नहीं है।
चेकबॉक्स पर टिक का निशान लगा दें। विवरण में कोई त्रुटि होने पर वीक्षक को बता दें कि ये भाई ये त्रुटि है, मेरे नाम है उसके साथ, आप इसको सुधरवा देंगे, तो वो उसको नोट कर लेगा जो भी कुछ बात आपकी अगर भिन्नता होगी तो। जैसा कि मैंने एक पढ़ के बताया, उसी तरह से अभ्यर्थी को इसी स्क्रीन पर एक हिंदी फॉन्ट का सैंपल दिखाई देगा। यदि सैंपल सही दिखाई दे रहा है तो चेकबॉक्स पर टिक का निशान लगा दें। यदि आपके वो सारा जो चेकबॉक्स है उसको प्रॉपरली चेक कर लें। कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है, जितने चेकबॉक्सेस हैं, एक मिनट में आपको दिखा दूं। ये देखिए यहां पर चेकबॉक्स बना हुआ है, ये दो चेकबॉक्स हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए, आपको यहां पर से ये यहां पर आपको टिक कर देना है तो चेक्ड हो जाएगा ये। अब इस तरह से आपने जांच प्रक्रिया कर लेने के बाद परीक्षा शुरू करने के लिए ये जो बटन है वहां पे नीचे लिखा हुआ है उसको जब आप प्रेस करेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो बटन पर क्लिक करने पर वास्तविक परीक्षा शुरू होने से पहले 2 मिनट का एक मॉक टेस्ट आएगा। उस मॉक टेस्ट को आप दे सकते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझ सके इस लिहाज से ये मॉक टेस्ट दिया गया है। मॉक टेस्ट स्क्रीन पर कुछ इस तरह का दिखेगा, ये देख लीजिए आप। आप अपना वीडियो पॉज कर लें, पॉज करके ये पूरा देख लें किस तरह से दिख रहा है मॉक टेस्ट। आपका टेस्ट कुछ इस तरह से दिखेगा स्क्रीन पर। ये स्क्रीन पर मॉक टेस्ट शुरू करने के लिए एक जो यहां पे जो लिखा हुआ है डायलॉग बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स को आप क्लिक करेंगे, मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा और स्क्रीन पर दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, ये इस तरह से होगा। अध्यक्ष महोदय, यदि स्वतंत्रता के बाद हमारा देश एक दिन में क्या घंटे, तो ये चीज आप टाइप करेंगे तो इस तरह से दिखना चाहिए। इसके बाद आता है स्टार्ट फाइनल टाइपिंग टेस्ट। यहां से आपको अपने टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट करना है और उसके लिए आपको अपना पासवर्ड यहां एंटर करना है इस कॉलम में, उसके बाद ओके प्रेस कर देना है। मॉक टेस्ट का समय समाप्त होने पर डायलॉग बॉक्स में जो दिखाई देगा उसको टच करने के बाद फाइनल टेस्ट शुरू हो जाएगा। पासवर्ड स्क्रीन पर होगा, आप फाइनल टेस्ट शुरू करने के लिए पासवर्ड की सूचना परीक्षा कक्ष में दे दी जाएगी। पासवर्ड डालने के बाद बटन पर क्लिक करने पर फाइनल टेस्ट शुरू करने के लिए डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसको क्लिक करने के बाद फाइनल टेस्ट शुरू हो जाएगा। मॉक टेस्ट के समान ही होगा, लेकिन इसमें समय 15 मिनट का होगा। पहले आपने 2 मिनट का देखा, अब वो पूरा 15 मिनट का होगा और वो स्क्रीन पर दिखेगा। ये देखिए इस तरह से चलेगा, आप स्क्रीन देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए। परीक्षा शुरू होने पर अभ्यर्थी एक लाइन के टेक्स्ट को टाइप करने के बाद दबाकर इंटर दबाकर के अगली लाइन में जाएगा, उसके बाद दोबारा इंटर दबाकर के उसके अगली लाइन में जाएगा। ये जो कुछ शब्द है ये मेरी समझ से बाहर है, मैं समझता हूं इंटर दबाने के बाद ये काम करना है, तो ये इंटर प्रेस करेंगे तो आप अगले लाइन में जा सकते हैं। परीक्षा की अवधि में अभ्यर्थी को टाइप के लिए उपलब्ध करवाई गई लाइंस में ऊपर एवं नीचे जाने की सुविधा होगी, जिसके लिए नीचे ये आप देख सकते हैं डाउन एरो कीज दिखाया गया है। ये डाउन एरो कीज से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं अपने स्क्रीन में जो भी चीजें दिख रही हैं उसको। कुछ और बातें रह गई हैं इसमें, उसको भी हम देख लेते हैं। टंकण गति परीक्षण सॉफ्टवेयर स्वतः ही टंकित किए गए शब्दों को सर्वर पर अपलोड करता है। परीक्षा के दौरान सर्वर पर डेटा सेव के संबंध में कोई एरर आता है तो तुरंत वीक्षक को सूचित करें। आपको किसी भी तरह का कोई एरर दिखता है अगर डाटा सेविंग के रिगार्डिंग, तो आप अपने एडिटर्स को जरूर बता दें। हिंदी टंकण के लिए रेमिंगटन कीबोर्ड एवं कृतिदेव फोन का प्रयोग किया जाएगा। ये प्रश्न बार बार मुझसे पूछा गया है कमेंट बॉक्स में, तो मैं उनको एक बार फिर से बता दूं, रेमिंगटन कीबोर्ड होगा और आपको कृतिदेव का फॉन्ट इसमें यूज करना है। माउस का यूज आप कर सकते हैं, माउस के यूज के लिए किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। परीक्षण में अभ्यर्थियों को टंकण हेतु पंक्तिवार शब्द या वाक्य दिए जाएंगे। शुरू होने के बाद निर्धारित समय 15 मिनट पूर्ण होने पर सॉफ्टवेयर अपने आप बंद हो जाएगा। ये देख लीजिए इस तरह से टाइपिंग एग्जाम कंप्लीटेड, 15 मिनट के बाद ये क्लोज हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे उसके बाद। टंकण गति परीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या आती है तो तत्काल आप अपने इन्वेटर्स को बता दें ताकि आपकी मार्किंग सही ढंग से हो सके, और जब तक आपका इन्वेटर आपको जगह छोड़ने ना कहे तब तक आप जगह को नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी मैंने आपके लिए विस्तार पूर्वक बताई, सारे लिटरेचर को आपके लिए कंपाइल किया और आपके सामने रखा।
उम्मीद करता हूं कि इतनी जानकारी के बाद अब कोई भी किसी भी तरह की शंका आपके स्किल टेस्ट के बारे में या कौशल परीक्षण के बारे में नहीं रही होगी, क्योंकि सारी चीजें बिंदुवार मैंने इस एक पीडीएफ के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया है, और इतना जान लेना काफी है आपको अपने कौशल परीक्षा में शामिल होने के लिए और उसको क्वालिफाई करने के लिए। उम्मीद करता हूं आप इस जानकारी के आधार पर अपनी परीक्षा में आसानी से सफलता प्राप्त करेंगे। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करेंगे करेंगे। मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, और आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।